फिलहाल पहुंच चुके हैं, सफ़र आ चुका है पवन सॉरी हर्ष पर्वत की ओर और लगभग 6 किलोमीटर रास्ता है जो पैदल लेना है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब है, बाइक जा नहीं सकती क्योंकि टूटे फूटा है, गड्ढे हैं, बाइक गाड़ी सब बंद है। यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर, और ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, तो वो देखने चलेंगे अभी। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे है। ये नीचे गांव अगर दिख रहे हैं पीछे, ये गांव पीछे नीचे, अभी तो 6 किलोमीटर का सफ़र है जो पैदल तय करना है, तो अभी तो बस शुरू किया है, बढ़ते यहाँ के 6 किलोमीटर और ऊपर पंखे लगे हुए हैं बड़े बड़े जिससे यहाँ बिजली बनती है। थोड़ा सा दौड़ लिया, इधर पैदल रास्ता है, चढ़ाई और ऊपर से दौड़ लिया तो सांस फूल गई थोड़ी सी। चलते हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए, कब तक पहुँचेंगे। यहाँ पंखे जो वीडियो में दिख रहे हैं, यहाँ बिजली बनाते हैं। थोड़ी दूर भागना मुझे महंगा पड़ गया, सांस जो है नॉर्मल होने का नाम ले रहे। दिखाता हूँ जूम करके, ये पंखे बिजली बनाते हैं। दो किलोमीटर क्लियर हो चुका है, चढ़ाई हो चुकी है 2 किलोमीटर के, लेकिन इस 2 किलोमीटर ने फिल्टर पाड़ दिया, 4 किलोमीटर और आ गया। बहुत ऊंचा एरिया है, जगह बहुत ऊंची है, तो भागना मुझे महंगा पड़ गया, नहीं भागता तो शायद सांस नहीं फूलती। अब दिखाता हूँ बैक कैमरे से कितनी ऊपर आ चुके हैं। वहाँ मंदिर जहाँ स्टार्टिंग में बाइक रोकी थी, उसके बाद ओ भाई लोग शॉर्टकट जा रहे हैं, बाकी रास्ता वहाँ से आए थे दूर से, तो मैं भी सोच रहा हूँ क्यों नहीं चला। चलिए चलते हैं, एडवेंचर करने आए तो कुछ तो करना पड़ेगा। चलो और फाइनली ये शॉर्टकट लेते हुए मैं चढ़ ही गया हूँ, शॉर्टकट लेते हुए कुछ तो रास्ता कम हुआ, आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो गया, लगभग 1.5 या 1 किलोमीटर रह गया। तो उधर वो आप देख रहे हैं, वहाँ जाना है। भाई बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ चुके हैं, जैकेट निकाल दी मैंने, स्वेटर निकाल दिया है, और बहुत ठंडी हवा लग रही है, जितने पसीने आए थे सब उतर चुके हैं। और ये नज़ारा नीचे का कितना गहराई में, तलहटी यहाँ की ये मंदिर, यहाँ बाइक रोकी थी और यहाँ से फिर पैदल आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, इससे ऊंची पहाड़ी कोई नहीं है, या फिर ये हर्ष पर्वत, वहाँ जाना ऊपर, ठीक ही रहेगी। अब तो इन पंखों की आवाज़ अभी से सुनाई देने लगी, ये पंखे घूम रहे हैं, ओहो ऐसा लग रहा है जैसे जहाज आ रहा है, बहुत बहुत बिल्कुल पास में आ गया। अब तो पहुँच गए, चढ़ाई ख़त्म होगी, अब थोड़ा समतल सा एरिया आ गया है। और यहाँ आप देख रहे हो मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ, व्यू पॉइंट सीकर शहर, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट हर्ष पर्वत सीकर। चढ़ाई ख़त्म होगी बस, और वो पीछे पंखे घूम रहे हैं, और एक ये बहुत बड़ा आगे सामने, ओहो पहुँच गए बस आगे, हर्ष पर्वत पता कर ही दिया। ओ चलो बुक में एक पर्वत का और नाम लिख लेते हैं, फतह कर दिया, पहुँचे गए जैसे तैसे करके नॉन स्टॉप। हेलो जी हर्ष पर्वत 0 पहुँच गए हर्ष पर्वत पे, मंदिर का पहला व्यू पहाड़ की चोटी पर, जय भरा बाबा की जय हो, पहुँच गया भाई। प्यास लगी है, गला सूख रहा है, देखते हैं ऊपर पानी मिलेगा कि नहीं। Yeah.
मंदिर और यहाँ आखिरी सीढ़ियाँ मंदिर की चढ़ते हुए बस पहुँच गए। जय भैरव बाबा की। पहुँच गए। सुकून मिला, पहुँच गए। बहुत लंबी कठिन चढ़ाई, देखो नीचे का एरिया और ये मंदिर। बिल्कुल ठंडी है, कितना ऊपर है। हो गांव बिल्कुल छोटे छोटे मकान देखो। अरे वाह क्या बात है, जैसे गूगल से देख रहे हो अच्छा दिख रहा है। इतनी चिल्ड हवा है कि लगता है कि बस सारे देश की ठंड यही है, ऐसा मन कर रहा था जैकेट पहन लें। सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ की, बहुत सारा हवा चलती है। यहाँ शिव जी का मंदिर और डेली हवन होता है यहाँ पे। अंदर भी है मंदिर के बारे में बताया जाता है कि औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने खंडित करवा दिया था। और सच जैसा कि सबको पता है, वो मुस्लिम राजा था, उसने सभी हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए थे, ज़्यादातर मंदिर। और फिर बाद में एक मंदिर ये यहाँ बनाया, बाद में शिवजी और उसकी पूरी फैमिली को स्थापित किया गया एक मंदिर वो ऊपर, और एक भैरव बाबा का मंदिर है वो थोड़ा सा उस तरफ रह गया। थोड़ा घूम कर जाना पड़ता उधर पवन चक्की के पास, उधर जहाँ चक्की घूम रही। यहाँ टोटल कुल मिला के 3 मंदिर हैं। और जैसा कि आप देख, अभी भी यहाँ बिखरे पड़े हैं चारों तरफ ये पत्थर पर नक्काशी, बहुत ही खूबसूरत और बारीकी के साथ जंगे संगे ये पत्थर। देखो यहाँ पर भी मंदिर को बाद में ठीक किया गया है, जंगे जंगे पत्थर बिखरे पड़े हैं, औरंगजेब में से खंडित कर दिया था, फिर बाद में बसाया गया इसको यहाँ पे। देखिए ये सारी नक्काशी है बहुत ही प्राचीन समय से। यहाँ अलग अलग देखो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरती से बना गया है इसको, जो पहले होगा वो तो लगता है और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अब तो सारा तोड़ फोड़ के दोबारा औरंगजेब ने तोड़ दिया था इसको। जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गदन्तवालिकां।
ये यहाँ के पावर प्रोजेक्ट, ऊपर ये पंखे घूम रहे हैं, नीचे यहाँ लाइट बन रही है, इसे ट्रांसफार्मर रखा हुआ और फिर ये तार से लाइट नीचे जा रही है बिजली। एक वो ये कितने हैं, लगभग 8 लगे हुए हैं यहाँ पर, 8ों के 8 लाइट बना रहे हैं ट्रांसफार्मर। व्यू पॉइंट कौन सा है, जी माता जी जीरेवासा झील। चलो जी झील और देख के चलते हैं। यहाँ फिलहाल मैं जा रहा हूँ उस छतरी की तरफ देखने के लिए कि कैसा व्यू है वहाँ, देखते हैं क्या मिलेगा वहाँ। भाई क्या नज़ारा है यहाँ से, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, मस्त नज़ारा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बिल्कुल शांति पीसफुल एरिया। ये वॉच टावर रास्ते में आता है, काफ़ी दूर है। और चलो नीचे चलते हैं, हो गया समय यहाँ का।